फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीरीज डेटा स्ट्रक्चर्स। एज यू नो दैट पाइथन पांडा हैव टू डेटा स्ट्रक्चर्स, सीरीज एंड डेटा फ्रेम। सीरीज डेटा स्ट्रक्चर में स्टार्ट करते हैं। अ सीरीज टाइप ऑब्जेक्ट हैज टू मेन कंपोनेंट। इसमें दो कंपोनेंट होता है, एक होता है एरे ऑफ एक्चुअल डेटा, दूसरा होता है इंडेक्स। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। यहाँ पे सीरीज एस कैपिटल, इसमें दो आर्गुमेंट होते हैं। देखिए, ये पाइथन लाइब्रेरी सीरीज मॉड्यूल है, इसमें दो आर्गुमेंट होते हैं। एक है डेटा इन द फॉर्म ऑफ हम एरे पास करते हैं, और एक है इंडेक्स। ठीक है, सो ये डेटा जो है एरे ऑफ एक्चुअल डेटा, वो आप पास करेंगे इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट कर सकते हो, नंपी एरे कर सकते हो, डिक्शनरी कर सकते हो, और इंडेक्स अगर करते हो तो ठीक है, नहीं करते हो तो 0, 1, 2, 3 करके ये बाय डिफॉल्ट ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका ये डेटा है, अगर आपने पास किया है इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, फॉर एग्जाम्पल 20, 22, 44, 46, इसका बाई डिफॉल्ट इंडेक्स आ जाएगा 0, 1, 2, 3। अगर आप इंडेक्स पास करोगे तो ये इंडेक्स वैल्यू आएगा, अदरवाइज ये डिफॉल्ट इंडेक्स ले लेता है। और इस इंडेक्स के थ्रू ही इसके इंडिविजुअल एलिमेंट को हम लोग, डेटा वैल्यू को हम लोग एक्सेस करते हैं। लिख दिया यहाँ पर, बोथ कंपोनेंट आर वन डी एरे, वन डायमेंशनल एरे विद द सेम लेंथ, दोनों का लेंथ सेम होगा। देखिए, द इंडेक्स इज यूज्ड टू एक्सेस इंडिविजुअल डेटा वैल्यूज। हम इंडेक्स के थ्रू इंडिविजुअल डेटा वैल्यू को एक्सेस करते हैं। ठीक है ना, अब आइए नेक्स्ट पार्ट तुम लोग को स्टार्ट करना है, क्रिएटिंग सीरीज ऑब्जेक्ट बाई यूजिंग पांडा लाइब्रेरी सीरीज। एस हमेशा याद रखिएगा, कैपिटल होता है सीरीज का। अभी इसके दो पार्ट है, एक होता है एम्प्टी सीरीज क्रिएट करना, एक होता है नॉन एम्प्टी क्रिएट करना। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में एम्प्टी सीरीज, क्रिएट एम्प्टी सीरीज ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग पांडास लाइब्रेरी सीरीज, मतलब विद नो पैरामीटर, कोई पैरामीटर नहीं, कोई वैल्यू ही नहीं। एक्चुअली जब कोई वैल्यू नहीं रहेगी तो ब्लैंक प्रिंट कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैंने इसे क्या लिख दिया है, सीरीज ऑब्जेक्ट इक्वल टू पांडास डॉट सीरीज एस कैपिटल, ये आपका ब्लैंक पैरामीटर है, नो पैरामीटर, नो आर्गुमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, इम्पोर्ट पांडास एज पीडी, पीडी क्या है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ पांडास है, पांडास की जगह आप पीडी यूज कर सकते हैं, अल्टरनेटिव नेम है। अब यहाँ पे हमने एक क्रिएट किया ऑब्जेक्ट, एस ऑब्जेक्ट इक्वल टू पीडी, पांडास लिख सकते हो या पीडी भी लिख सकते हो, क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डॉट सीरीज, यहाँ पे कोई भी आर्गुमेंट नहीं है, कोई भी पैरामीटर लिस्ट नहीं है, तो ब्लैंक है, तो ये क्या करेगा, एम्प्टी सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अगर आप इसको प्रिंट करके प्रिंट कर सकते हो, या डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हो एस सब्जेक्ट, प्रिंट यूज करके सकते हो, बिना प्रिंट के भी आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आपका एक आउटपुट आएगा सीरीज ब्लैंक, ये ब्लैंक आ गया, लेकिन बाय डिफॉल्ट डेटा क्या होता है, फ्लोट 64, ये बाय डिफॉल्ट डेटा है टाइप है। अब मैंने ये स्टेटमेंट के बारे में लिख दिया यहाँ पे, देखिए ये जो है ना एस ऑब्जेक्ट, या कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम आप दे सकते हो, इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज मॉड्यूल विथ नो आर्गुमेंट्स। दिस स्टेटमेंट विल क्रिएट एन एम्प्टी सीरीज टाइप ऑब्जेक्ट विथ नो वैल्यू हैविंग डिफॉल्ट डेटा टाइप विच इज फ्लोट 64। ठीक है, तो ये डिस्कशन यहाँ तक कंप्लीट हो गया, इसमें नहीं करना है। अगर एम्प्टी सीरीज है तो आप कोई आर्गुमेंट पास नहीं कर सकते हो, सिंपली हमने क्रिएट कर सकते हैं इसी स्टेटमेंट के द्वारा, हम क्रिएट कर सकते हैं एम्प्टी सीरीज। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे नॉन एम्प्टी सीरीज ऑब्जेक्ट। थैंक यू।